हेलो एंड वेलकम, मैं मनीषा, स्वागत है आपका टू डे न्यूज़ की दुनिया में, जहां आपका होता है यहां से डायरेक्ट कनेक्शन। पिछले काफ़ी समय से सलमान खान की आने वाली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई चर्चा में है जी दोस्तों, और फैंस इस फिल्म का जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म इसी साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन पहले तो फिल्म की शूटिंग रुक गई और फिर लॉकडाउन के कारण सिनेमाघर जो है वो बंद हो गए, तो इसकी रिलीज डेट भी टलती रही। अभी तक इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो फाइनल नहीं हुआ है जी दोस्तों, और अब कहा जा रहा है कि इसे 2021 में ईद के मौके पर रिलीज किया जा सकता है। जी हाँ, दरअसल अब खबर आ रही है कि सलमान खान की राधे द मोस्ट वांटेड को अगले साल ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म को 12 मई को रिलीज करने की तैयारी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राधे की पूरी टीम ने इस सिलसिले में हाल ही में एक मीटिंग भी की थी जी दोस्तों। मीटिंग में प्रभु देवा, सोहेल खान संग सलमान भी मौजूद थे। उस समय इस बात पर चर्चा चल रही थी कि इस मेगा बजट फिल्म को कब रिलीज किया जाए, और बताया गया था कि पहले फिल्म को अगले साल गणतंत्र दिवस पर रिलीज करने का मन था, लेकिन लोगों का थिएटर की तरफ रुख ना करना मेकर्स को डरा रहा था, इसलिए फिर ईद रिलीज पर मुहर लगाई गई है जी दोस्तों। आपको बता दें कि अभी तक राधे की रिलीज डेट को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, यानी कि राधे के लिए सलमान के फैंस को अभी लंबा इंतजार करना होगा जी दोस्तों। तो इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।